हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.4। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 6 कुछ इस तरीके से दे रखा है। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, ठीक है। तो पहले मैं इसको बना देता हूँ। सर्कुलर पार्क, ठीक है फ्रेंड, ये सर्कुलर पार्क होगा मेरा जिसकी रेडियस कितनी देखिए 20 मीटर। इज अ सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक है, जो एक कॉलोनी बनी हुई है। तीन लड़के हैं, एक का नाम अंकुर, सैयद एंड डेविड है, जो सिटिंग है एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री। यानी कि इसकी जो बाउंड्री ना, इसकी बाउंड्री वो इक्वल पॉइंट पर बैठे हुए हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट मान लो अंकुर बैठा हुआ है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पर मान लो यहाँ पर मान लो दूसरा है और यहाँ पर मान लो तीसरा बंदा है, ठीक है, जो इसका नाम है, क्या नाम है, सैयद, और जो तीसरा बंदा है उसका नाम है डेविड, ठीक है। मान लो अंकुर बैठा है ए पोजीशन पे, सैयद बैठा है बी पोजीशन पे और डेविड बैठा है सी पोजीशन पे। तीनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। मान लो ए से बी, बी से सी और ए से सी, इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोला गया है। सेटिंग डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री ईच हैविंग टॉय टेलीफोन, ये तीनों के तीनों ना जो टेलीफोन होता है ना बच्चों वाला, जिसमें धागा बांध के एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से बैठे हुए ये। इन इज हैंड टू टॉक ईच अदर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की तो स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, तीनों सेम है, तो बताओ एक हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना है इस स्ट्रिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, दिया है, मेरे पास गिवन है, ठीक है, थ्री बॉयज है, अंकुर, सैयद एंड डेविड। अंकुर, ठीक है, सैयद एंड डेविड ऑन सर्कुलर पार्क एट ए बी एंड सी, ठीक है। हिंदी में लिखूंगा अंकुर, सैयद और डेविड वर्ताकार पार्क के बिंदु ए बी सी पर स्थित हैं, ठीक है। और तीनों के बीच की दूरी क्या सेम है, मान लो ए बी, बी सी और ए सी, तीनों की दूरी क्या है, सेम है। तो मैंने मान ली, चलो ए बी तीनों की डिस्टेंस को क्या मान लिया, 2x मान लिया मैंने, मान लिया, ठीक है, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस है ना सेम है। अब तीनों का अगर डिस्टेंस सेम है तो ये क्या है, एक तरीके से इक्विलेटरल है। ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या बन जाएगा मेरा, इक्विलेटरल, यानी कि त्रिभुज ए बी सी है वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान है। और क्वेश्चन बोला गया है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो मान लो सेंटर ये है, मैंने जो ओ ए है वो भी रेडियस है, ठीक है, इस ओ ए को मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। देखा जाए तो मेरी जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगी इस कॉर्ड के ऊपर। मान लो ये एम पॉइंट है, ठीक है, रेडियस कॉर्ड पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिसको मैंने 10.3 और 10.4 थ्योरम में भी आपको बताया था, ठीक है। वी नो दैट ठीक है, रेडियस जो ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, हम जानते हैं जो ओ एम है, ठीक है, ओ एम लंब समद्विभाजक है बी सी का, जिसको मैंने 10.3 और 10.4 के अंदर सॉल्व करवाया था, ठीक है। थ्योरम के अंदर आपको देख लेना मेरी पिछली वीडियो में आके, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई कॉर्ड है जिस पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक है फ्रेंड। तो जो मेरा ओ बी है ये भी कौन है, एक तरीके से रेडियस, तो ये भी मेरी 20 मीटर होगी, और ओ ए है ये भी मेरी कितनी होगी, 20 मीटर होगी, दोनों क्या होगी, 20 मीटर। मैं लिख देता हूँ नीचे कि ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है।
अब बात की जाए एम की, ठीक है फ्रेंड, बात की जाए एम की, तो एम कितनी होगी? एम का मतलब है एओ प्लस में ओएम। एम का मतलब क्या है? एओ प्लस में ओएम। अब एम तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, बट एओ तो मालूम है, कितनी है 20 प्लस में ओएम, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से मैंने ओएम की वैल्यू निकाल ली, ओएम कितना होगा? एम प्लस का इधर इसको आ जाएगा माइनस का, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई? ओएम की आ गई। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया? 1 दे दिया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर मेरे को दो राइट एंगल नज़र आ रहे हैं, मैं दोनों राइट एंगल का यूज़ करूँगा, ठीक है फ्रेंड। देखो जरा ध्यान से, पहला राइट एंगल लूंगा मैं बड़े वाला, जो जिसका नाम है ए एम और बी, ठीक है। जो ए बी है मेरा कितना है? 2x है, क्योंकि मैंने इसको एज्यूम किया है, ये भी 2x है, ये 2x है, और ये पूरा भी कितना होगा? 2x। अगर ये परपेंडिकुलर बायस है, पूरा 2x है, तो बी एम और सी एम क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, बी एम इक्वल होगा, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ परपेंडिकुलर की लाइन मैंने यहाँ लिखी ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी एम इक्वल होगा सी एम के, ये टोटल 2x था, तो इसका मतलब कितना होगा? ये x होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ, दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल। तो मेरा जो बी एम होगा कितना होगा? ये मेरा x होगा, ए एम नहीं मालूम, कोई बात नहीं। छोटे वाला जो ट्रायंगल है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम ओ बी और एम, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ओ एम की वैल्यू अभी भी मैंने नीचे निकाली थी, कितनी निकाली थी? ए एम माइनस ट्वेंटी, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ए एम माइनस में 20, ये मेरा कौन है? ओ एम। और बी एम कितना मेरा? x है, ये भी x है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई फ्रेंड? अब इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे हम। पहले इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम में, तो बेसिकली इसमें क्या लग जाएगी? पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है? 90 डिग्री सामने वाला, हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस में बी एम का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी कितना है मेरा? 2x। ए एम कितना है? मालूम नहीं, कोई बात नहीं। एंड बी एम, बी एम कितना दे रखा है मेरे को? x। अब 2 को 2 से करेंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए एम का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ये प्लस का है, उधर x का हो जाएगा माइनस का, ए एम का स्क्वायर माइनस का कितना आया? 3x स्क्वायर। इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा, तो 3 का तो रूट होता नहीं है, तो 3 तो रहेगा अंडर रूट में। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये किसकी आ गई वैल्यू? ए एम की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए एम की। इस ए एम की वैल्यू को उठा के मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। जो मेरा ओ एम था, ओ एम कितना था? ए एम माइनस में 20 था, तो बेसिकली ए एम की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 3x माइनस में 20, ये कितना आ गया मेरा? ओ एम आ गया। कितना आ गया? ओ एम। ओ एम आने के बाद अब मैं इसमें यूज़ करता हूँ पाइथागोरस को, ठीक है। जो ओ बी है ये मेरा कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू किया इन ट्रायंगल ओ बी एम, त्रिभुज ओ बी एम में पाइथागोरस यूज़ करता हूँ, ओ बी का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस में बी एम का स्क्वायर। अब ओ बी तो 20 है, लिख दिया। ओ एम, ओ एम मेरा कितना आया? अंडर रूट 3x माइनस में 20 इसका स्क्वायर। बी एम, बी एम कितना दे रखा है? x का स्क्वायर। 20 को 20 से किया, कितना है? 400। यहाँ फॉर्मूला लिख जाएगा a माइनस बी का, ठीक है, a माइनस बी की स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अंडर रूट 3x और 20, साथ में कौन चल रहा है? x स्क्वायर चल रहा है मेरा, ठीक है फ्रेंड। सॉल्व करेंगे इसको हम, कितना आ जाएगा मेरा? 400। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे, कितना आएगा? 3। और x को x से करेंगे, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। 20 को 20 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 400। और 22 ज़ा 40, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, x का x प्लस में x स्क्वायर आ गया, ठीक है। आने के बाद 400 इक्वल टू 3 और 1 कितना हुआ? 4x स्क्वायर माइनस में 40 अंडर रूट 3,
देखो फ्रेंड, ये प्लस का 400 उधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो ये तो इसे कैंसिल हो गया ज़ीरो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पे x, यहाँ पे बचा 10 अंडर रूट 3 आ गया। अब इसको दो बार सॉल्व कर लेंगे हम, 4x इक्वल टू ज़ीरो अलग सॉल्व करेंगे एंड x माइनस में 10 अंडर रूट अलग सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई में किसमें वाला है, डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू 0, माइनस का उधर x का आ जाएगा प्लस का, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 3। ठीक है फ्रेंड, x की वैल्यू आने के बाद अभी हम इसको पुट कर देंगे, पुट कर देंगे हम, जैसे कि मेरी ये BC है, ठीक है, BC को मैंने क्या मान रखा था, ये BM और CM, BM मेरी x थी और CM भी मेरी x थी, x की वैल्यू कितनी है 10 अंडर रूट 3, 10 और 10 कितना हुआ 20 अंडर रूट 3, मेरा क्या आ गया BC, जितना मेरा BC होगा उतने मेरा AC होगा, उतने मेरा AB होगा, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस क्या था, सेम था। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों का डिस्टेंस क्या निकल के आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।